नमस्कार अर्गस अपडेट सहित मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो ममिता मेहर हत्या मामला मंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दाबी में कांग्रेस छगंटिया हड़ताल दिन 12टा जाए शांतिपूर्ण हड़ताल शांतिपूर्ण प्रतिवाद पाई हाईकोर्ट देखते निर्देश पुणी सीमार आंध्र दादागिरी लोकों प्रलोभित करने को लगला चैलेंजर गंजाम सीमांत तो गुड़ीखोला गां अख्तियार चक्रांत सेपटे गांव में ओडिशा सरकारी बाबू को पाद पुर्णोत्तर अभियोग आने ग्रामवासी रालकला सरकारी डाक्तरखाना अवहेला ओ प्लस बदल बी प्लस रक्त दिजा को युवती मृत्यु अभियोग ठीक समय रे नर्स और डाक्तर न आसवर जीवन जाता कहले आज आरबीआई रो खुचरा प्रत्यक्ष योजनार शुभारंभ करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निवेशक मानक सरकारी सिक्युरिटी किणवा हेब सहज मगणारे खुली पारे आरबीआई सहित रिटेल डायरेक्ट गिल्ट आकाउंट रिजर्व बैंक रो गुरुत्वपूर्ण गठनमूलक संस्कार नयगढ़ रणपुर पुणी कंगारू कोर्ट अपमान परे जीवन हारे युवक अर्गस खबर प्रसारण पर गिरफ हेले खतिया ग्रामर सभापति भागवत भूया अन्यतम अभियुक्त डाक्टर विरोध में कार्यानुषान प्रश्न एवं बरगढ़ गोविंद कुमार हाजत मृत्यु मामला पत्नी रूबी कुमार सांघातिक अभियोग बरगढ़ एसपी राहुल जैन जांची लांच पैसा चाकरी पिला पाठपढ़ार प्रलोभन केस न लड़ा रूबी को प्रकारंत्रे धमक बरगढ़ गस्त पूर्व मुख्यमंत्री को गोविंद पत्नी रूपी आकलन संपूर्ण खबर को ममिता मेहर हत्या मामलें मंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दाबी में आज कांग्रेस छघंटिया ओडिशा हड़ताल सका छु दिन 12टा जाए हड़ताल करुछि कांग्रेस हड़ताल समय रे अत्यावश्यक सेवा को बाद दिया जाइछि शांतिपूर्ण भावे हड़ताल करा जाउथिबा कांग्रेस कहिछि ममिता मेहर हत्या मामलें मंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दाबी में आज कांग्रेस छ घंटिया ओडिशा हड़ताल सका छु दिन 12टा जाए हड़ताल करुछि कांग्रेस हड़ताल समय रे अत्यावश्यक सेवा को बाद दिया जाइछि शांतिपूर्ण भावे हड़ताल करा जाउथिबा कांग्रेस कहिछि तबे आपण स्क्रीन रे चारोटी विजुअल देखि पारथिबे गोटे होछि कटक रो चित्र आ गोटे भुवनेश्वर अन्यटी जगतसिंहपुर एवं झारसुगुड़ा ए चारोटी स्थान रे कोन रहिछि हड़ताल रो प्रभाव कांग्रेस हेतु कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दाबी सहित जो भली भावे ममिता मेहर को न्याय पाई प्रतिवाद करुची जो आज हड़ताल डाकरा दिया जाए छ घंटिया अर्थात सका छु दिन 12टा जाए ये हड़ताल जारी रहा शांतिपूर्ण भाव हड़ताल करने गत काली हाईकोर्ट निर्देश देते जहाँ को कि अनुपालन कांग्रेस आपत चारोटी चित्र देखिपुट गोटेपटे कटक आ गोटेपटे जगत सिंहपुर भुवनेश्वर झारसुगुड़ा ये चारोटी स्थान में कौन रही हड़ताल प्रभाव आप चित्र देखि पाउछंती अर्गस स्क्रीन माध्यम रे तबे आम सहित आम प्रतिनिधि हुलेश्वर हंस कंट्राबांजी झरन गाँव में अच्छा ममिता गाँव में रही हुलेश्वर हुलेश्वर पाख को जवाक चाहिए हुलेश्वर कांग्रेस आज प्रतिवाद एवं विशेष करी जो हड़ताल छ घंटा धरी हड़ताल करा जाउछि कौन रही प्रभाव कंट्राबांजी हाँ देखु निवेदिता आम अच्छु बलांगीर जिला तुरेकला थाना झरणी गाँव ममिता मेहर गाँव में अच्छु झरणी रे आज कांग्रेस पक्षर छ घंटा से हड़ताल करुवा बेले झरणी गाँव में केमी भाव जो तार प्रतिभा देखा किपल भाव गाँव में गोटे प्रकार सुनसान देखा आम कि अच्छा झरणी गाँव रोक सहित जनसाधारण सहित सीधा सड़क आलोचना करवा बर्तमान अच्छा झरणी गाँव स्थानीय बासिंदा कौन कह सर आज कांग्रेस पक्ष बंद डाक आप गाँव में केमी भाव आप समर्थन करते कौन कहते डाक गाँव में पूरा समर्थन अच्छी मेहर गाँ कानुची दिव्यशंकर को फांसी जेल हवा कथा
नवीन सरकार गंडगोल तार प्रतिवाद रे आमे समस्ते एक ही आज सब बंद कर दुकान बजार केते बेर बंद होला दुकान बजार 6टा रु बंद करि छ कार केमिति भाबे समर्थन करै छ ममिता मे जे हत्या कर पूरा समर्थन जे समर्थन करै देखु नवेदिता आम कथा जो झरणी गाँव ममिता मेहर जो गाँ अच्छी झरणी गाँ से गाँव में जो कांग्रेस आज जो 6 घंटिया जो हड़ताल करूँ पूर्ण मात्रा रे एठी लोक समर्थन करछंती एवं ममिता मेहर परिवार को किपरी भाव न्याय मिलो से नहीं झरणी गाँव में बर्तमान गोटे प्रकार शांतिपूर्ण भाव बंद कर अन्य जन अच्छा प्रतिक्रिया ना आज केमी बंद पालन करणी गाँव कौन कभी डाकनी नवीन पटनायक तो सब गंडगोल कर राज्य सरकार कहन कि नारी मान सुरक्षा लगे बहुत पदक्षेप नि गांव गोटे झील गोटे हत्या है घटना के देखु बहुत भूल कर सरकार बहुत भूल कर अन्याय कर दिव्य शंकर के बहिष्कार कर फांसी दंड दि जाऊ गोविंद साहू के गोविंद साहू जितने हत्या जो हत्या कला ममिता मेहर को हत्या कला तो क्या क्या संपुक्त अच्छे आप अभियोग कर देखो नवेदिता आम स्थानीय जो झरणी गाँव रही स्थानीय लोक सीधा सड़क आलोचना करूँ ममिता मेहर जो हत्याकांड होती गोविंद साहू ही यह हत्याकांड जो कह संपुक्त जो कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र रही गाँव लोक अभियोग करते तेज यही घटना को जिते बेले घटना को एक मस रु अधिक बीती गला किंतु वर्तमान पर्यंत राज्य सरकार कौन प्रकार पदक्षेप नु नु साधारण स्थानीय लोक असंतोष प्रकाश कर तेरे विभिन्न समय गाँव रोक मानने थाना कार्यालय कंटापाजी को जी मेहर समाज पक्षर आंदोलन एवं विभिन्न दल सारा राज्य रे सारा भारत बर्ष ममिता मेहर पर किपर भाव न्याय मिलो तेरी गोटे प्रकार आंदोलन जारी अच्छी तेरे बर्तमान भी दिनक दिन हु भाव न्याय चलुची किपर भाव ममिता मेहर को न्याय मिलो से नहीं गोटे प्रकार विभिन्न दल निर्विशेष समस्ते एकजुट हो आज कांग्रेस पक्षर छिया बंद डाकरा दि जाए अर्थात कांग्रेस हड़ताल कर शांतिपूर्ण हड़ताल हाइकोर्ट निर्देश देते आम चित्र देखु भुवनेश्वर जे शांतिपूर्ण प्रतिवाद करा कर समस्त मुहर गोटे कथा ममिता को केमती न्याय मिले बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर हंस आम प्रतिनिधि दासक आमको ताजा सूचना दौले परवर्त खबर को आसवा आज आरबीआई खुचरा प्रत्यक्ष योजनार शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एणिकी खुचरा नवेशक मान सरकारी सिक्युरीटी किणवा सहज India is setting an example in democratization of तबे आजि आरबीआई खुचरा प्रत्यक्ष योजनार शुभारंभ करिबे प्रधानमंत्री आपण ताजा चित्र देखि पाउछन्ति आ किछि समय परे हे कार्यक्रम आरंभ होबो focuses on strengthening the grievance redress mechanism for consumers of various services provided by the Reserve Bank regulated entities like banks NBFCs and payment system operators The existing ombudsman schemes are being integrated into a single scheme which will offer the benefit of a single platform to customers for getting speedy resolution of their grievances. This integrated scheme will reinforce confidence and trust in the financial system of our country. The launching of these two citizen-centric initiatives today will provide further impetus to our journey towards more inclusive and responsive financial system I once again extend a warm welcome to all the dignitaries participants and viewers thank you namaskar dhanyawad governor mahoday hamare ganmanya atithiyon ka swagat karne ke liye aur rbi ki dono nayi yojanaon ke bare mein avgat karane ke liye अब हम माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से अनुरोध करते हैं कि वह इस विशेष उपलक्ष पर आप सभी को संबोधित करें माननीय वित्त मंत्री महोदया
Honorable Prime Minister, Governor of Reserve Bank, members of the Central Board of the RBI, ministers of Government of India and also the states, industry leaders and other participants. I begin with a word of appreciation for the coordination and cooperation with which the RBI worked together with Government of India, Ministry of Finance during the pandemic, as a result of which many people-centric and sensitive decisions were taken in time with the guidance of the Prime Minister. And as a result, today we see the economy reviving with great gusto, if I may use the word, and as a result of which the confidence in the Indian economy is very appreciated and is growing, not just in India, but across the globe. Now, this kind of a inclusive financial thinking and also acting to appreciate the larger agenda of the government for inclusive financial driven growth. So in this context, if during the pandemic, the Reserve Bank of India and the Ministry of Finance have worked in this kind of a spirit of cooperation, today I see the Reserve Bank of India coming up with two important initiatives, which is just going to underline and also take further this financial inclusion principle. The Retail Direct that the Reserve Bank is having launched today through the honorable presence of the Prime Minister is something which is going to help two or three things importantly. One, engage with the retailers for retail participation, deepen the bond market, and allow for a fair market-determined rates for all the across the yield curve. And therefore, it's an important measure. The retail participation has been hesitant all these years because of the cost involved and because of the traditional intermediary system which has prevailed. Now, this will probably bring in a direct cost-free, convenience-driven, and also build confidence in the retail participation in the government securities. And therefore, it's a major step. I welcome the RBI for having taken this initiative. The second step and the second initiative which the Honorable Prime Minister will be launching is the Banking Ombudsman Scheme. Although it was launched in 1990 and subsequently the RBI came up with include schemes for bringing in the non-banking financial companies and also the payment systems. Later, they came up with guidelines for also customer service. This particular step of bringing them together to become an integrated ombudsman service is going to make it easier for the retail participants in banking system and also in the bonds for any complaints that they may have. I appreciate the RBI for having taken these two major initiatives, and I'm grateful to the Honorable Prime Minister for agreeing to launch these two today. Thank you very much. कोई आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। अंततः वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वह बटन प्रेस करके अपने कर कमलों से दोनों योजनाओं भारत सरकार और आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में हाल के वर्षों में सबसे बड़ा प्रभाव जनधन खाते खोलने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू करने और जैम ट्रिनिटी के निर्माण से आया है। समावेशी विकास का लक्ष्य लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ और नए कदम उठाए हैं। ये पहल सूचना तकनीक की नींव पर लोगों को जोड़ते हुए एक सशक्त और समृद्ध देश बनाने का प्रयास है। आइए जानें ये क्या है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। आज देश में लोगों के लिए निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं।
जरूरी ये है कि ये विकल्प सुरक्षित और आसान हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश एक ऐसा विकल्प है जो पूंजी को सुरक्षित रखते हुए अच्छे रिटर्न प्रदान करता है। फिर भी छोटे निवेशक, वेतन भोगी और पेंशन भोगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री को जटिल मानते हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निवेशकों के लिए RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू की है, जिससे निवेशक आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत निवेशक न केवल पूरे विश्वास से अपनी जमा पूंजी का निवेश कर पाएंगे बल्कि देश के आर्थिक विकास में योगदान भी कर सकेंगे। अब छोटे निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल rbiretaildirect.org.in द्वारा RBI में अपना गिल्ट अकाउंट यानी प्रतिभूति खाता खोलकर अपने बैंक खाते से सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकेंगे। यह सुविधा निशुल्क है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। वित्तीय समावेशन का एक पहलू सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र है और इसे सरल, सुविधाजनक और सुलभ बनाने के लिए रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की शुरुआत की गई है, जो मौजूदा लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है। इसके अंतर्गत सेवा में कमी से संबंधित सभी शिकायतों को स्वीकार किया जाएगा। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित 11,352 बैंकों, NBFC और PPI इशुअर्स को चरणबद्ध तरीके से एक मंच पर लाएगी। इसे लगभग 44 करोड़ ऋण खाता धारक, 220 करोड़ जमा खाता धारक और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के सभी ग्राहक लाभान्वित होंगे। शिकायत दर्ज करने तथा उसे ट्रैक करने के लिए सभी ग्राहकों को अब एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते की सुविधा होगी। एक राष्ट्र एक लोकपाल दृष्टिकोण के अंतर्गत RBI चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर यानी CRPC स्थापित किया गया है। ग्राहक अपनी शिकायत RBI के ऑनलाइन पोर्टल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी cms.rbi.org.in पर तो कर ही सकते हैं, साथ ही CRPC के टोल फ्री नंबर पर हिंदी, अंग्रेजी और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायत दर्ज करने हेतु सहायता और उससे जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। ये हैं RBI के कुछ नए पहल जन जन को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के लिए, जन जन को खुशहाली की ओर मोड़ने के लिए। आज ये पहल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। निश्चित ही ये दोनों योजनाएं डिजिटल भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर बड़े कदम हैं। RBI खुचरा प्रत्यक्ष योजना रो शुभारंभ कले प्रधानमंत्री मोदी। RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम रो शुभारंभ कार्यक्रम छोट निवेशकों को बड़ उपहार मिली। सरल हेबो सरकारी सिक्योरिटी किनिबा एवं बिकिबा जो योजना कार्यकारी करा दैछि। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में देश के वित्त मंत्रालय ने RBI और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। अमृत महोत्सव का ये कालखंड 21वीं सदी का ये महत्वपूर्ण दशक देश के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसे में RBI की भी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम RBI देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी।
साथियों, बीते 6-7 वर्षों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी उसके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखता है। मुझे खुशी है कि आरबीआई ने भी सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाने के लिए सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं और उसमें आज एक और कदम जोड़ा है। आज जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन अम्बड्समैन ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर्स की हर शिकायत, हर समस्या का समाधान समय पर बिना परेशानी को हो सकेगा। और मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आम तौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियां, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स यानी जिनकी छोटी सेविंग है उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। ये भी आप जानते हैं कि भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गारंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है। ऐसे में
छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है, यानी छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप नया भारत बनाने के लिए जो जो व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे। और यही तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नागरिक और सरकार की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास है। साथियों, आमतौर पर फाइनेंस की बातें जरा टेक्निकल हो जाती हैं, सामान्य मानवीय हेडलाइन पढ़कर के छोड़ देता है, और इसलिए सामान्य मानवी को बेहतर तरीके से इन बातों को समझना और उनको समझाना, मैं समझता हूं आज समय की मांग है। क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हम जब करते हैं तब इस देश के आखिरी व्यक्ति को भी इस प्रोसेस का हिस्सा हम बनाना चाहते हैं। आप एक्सपर्ट्स इन सारी बातों से भली भांति परिचित है, लेकिन देश के सामान्य जन के लिए भी ये जानना उनकी बहुत मदद करेगा। जैसे उन्हें पता होना चाहिए कि इस योजना के तहत फंड मैनेजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट आरडीजी अकाउंट खोला जा सकता है, ये अकाउंट भी ऑनलाइन खोला जा सकता है और सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त भी ऑनलाइन संभव है। सैलरी वालों या फिर पेंशनर्स के लिए घर बैठे बैठे सुरक्षित निवेश का ये बहुत बड़ा विकल्प है। इसके लिए कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, फोन और इंटरनेट से ही आप मोबाइल फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका काम हो जाएगा। ये आरडीजी अकाउंट निवेशक के सेविंग अकाउंट से भी लिंक होगा, जिससे सेल परचेज ऑटोमेटिक, खरीद फरोख्त का जो काम है ऑटोमेटिक संभव हो सकेगा। आप कल्पना कर सकते हैं लोगों को इससे कितनी आसानी होगी। साथियों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस जितने जरूरी हैं, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सिस्टम पर सामान्य जन का भरोसा भी, सामान्य जन के लिए सुविधा भी, सामान्य जन के लिए सरलता भी उतना ही आवश्यक है। एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम मजबूत होती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। 2014 के पहले कुछ सालों में देश के बैंकिंग सिस्टम को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया था, आज हर किसी को पता है कि कैसी स्थितियां पैदा हो गई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। बीते 7 सालों में एनपीएस को पारदर्शिता के साथ रिकॉग्नाइज किया गया, रिजोल्यूशन और रिकवरी पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर के बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया, फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए, जो विलफुल डिफॉल्टर्स पहले सिस्टम से खिलवाड़ करते थे, अब उनके लिए
मार्केट से फंड जुटाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंकों से जुड़ी गवर्नेंस में सुधार हो, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी आजादी हो, छोटे बैंकों को मर्ज कर बड़े बैंकों का निर्माण हो, या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना हो, इन सभी कदमों में आज बैंकिंग सेक्टर में नया विश्वास, नई ऊर्जा लौट रही है। साथियों, बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। बीते कुछ समय में डिपॉजिटर्स के हितों को देखते हुए ही अनेक फैसले लिए गए हैं। वन नेशन वन एंबर्समेंट सिस्टम, इससे डिपॉजिटर्स को और इन्वेस्टर फर्स्ट के कमिटमेंट को बल मिला है। आज जो योजना लॉन्च हुई है इससे बैंक, एनबीएफसी, इसके उन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। अब आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं के लिए खाता धारकों की शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और मॉनिटर करने का एक ही प्लेटफॉर्म होगा, यानी शिकायत निवारण के लिए खाता धारक को अब एक और आसान विकल्प मिला है। जैसे कि अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनऊ में हो और वो दिल्ली में काम कर रहा हो, तो पहले होता यह था कि उसको लखनऊ के एंबर्समैन को ही शिकायत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान किया है। इससे बैंक और जांच करने वाली एजेंसियों के बीच कम से कम समय में बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा। जितनी जल्दी एक्शन होगा, फ्रॉड से निकाली गई रकम की रिकवरी की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। ऐसे कदमों से डिजिटल पेनिट्रेशन और कस्टमर इंक्लूसिवनेस का दायरा भी बड़े विश्वास के साथ बढ़ेगा, कस्टमर का भरोसा और बढ़ेगा। साथियों, बीते सालों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन से लेकर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और दूसरे रिफॉर्म्स किए हैं। उनकी ताकत हमने कोविड के इस मुश्किल समय में देखी है और उसके कारण सामान्य मानवीय की सेवा करने का एक संतोष भी पैदा होता है। सरकार जो बड़े बड़े फैसले ले रही थी उसका प्रभाव बढ़ाने में आरबीआई के फैसलों ने भी बहुत बड़ी मदद की है, और मैं आरबीआई गवर्नर और उनकी पूरी टीम को सार्वजनिक रूप से इस संकट काल में जिस प्रकार से उन्होंने चीजों को
हिम्मत पूर्वक निर्णय किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। सरकार द्वारा जिस क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गई थी, उसके तहत लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। इसकी मदद से 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने अपना उद्यम और मजबूत किया है। इसमें से अधिकतर एमएसएमईज हैं, हमारे मध्यम वर्ग के छोटे उद्यमी हैं। साथियों, कोविड काल में ही सरकार द्वारा छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिससे 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को केसीसी कार्ड्स भी मिले और लगभग 3.25 लाख करोड़ का कृषि ऋण भी उन्हें मिल गया। पीएम स्वनिधि से करीब 26 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे 26 लाख लोगों को ऋण मिल चुका है। और आप कल्पना कर सकते हैं, कोविड का इस संकट काल के बाद 26 लाख से ज्यादा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को इतनी बड़ी मदद मिल जाए, कितना बड़ा उनके लिए संबल हो गया। इस योजना से उन्हें बैंकिंग सिस्टम से भी जोड़ दिया है। ऐसे अनेक इंटरवेंशन ने गांव और शहरों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, 6-7 पहले तक भारत में बैंकिंग, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा हुआ करता था। देश का सामान्य नागरिक, गरीब परिवार, किसान, छोटे व्यापारी, कारोबारी, महिलाएं, दलित, वंचित, पिछड़े, इन सबके लिए ये सब सुविधाएं बहुत दूर थी। जिन लोगों पर इन सुविधाओं को गरीब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना आए, गरीब तक जाने के रास्तों को बंद करने के लिए जो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, भांति भांति के बहाने, यही एक परंपरा हो गई थी। और क्या कुछ कहा नहीं जाता था, खुलेआम बेशर्मी के साथ कहा जाता था, अरे बैंक की ब्रांच नहीं है, स्टाफ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, न जाने कैसे कैसे तर्क दिए जाते थे। अनप्रोडक्टिव सेविंग्स और इनफॉर्मल लेंडिंग, इससे सामान्य नागरिक की स्थिति भी खराब हो रही थी और देश के विकास में उसकी भागीदारी भी न के बराबर थी। पेंशन और बीमा का तो यही माना जाता था कि ये सब समृद्ध परिवारों के भाग्य में ही है, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ईज ऑफ एक्सेस भारत की पहचान बन रही है। आज अलग अलग पेंशन योजनाओं के तहत समाज का हर व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 60 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली पेंशन की सुविधा से जुड़ सकता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 38 करोड़ देशवासी, 38 करोड़ कंट्रीमैन
दो दो लाख रुपए की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की सुविधा पहुंच रही है। पूरे देश में आज लगभग 8.5 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स जो देश के हर नागरिक की बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। जन धन योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोले गए, जिसमें आज गरीब के हजारों करोड़ रुपए जमा है। मुद्रा योजना से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों में व्यापारियों, कारोबारियों की एक नई पीढ़ी सामने आई है और स्वनिधि योजना से रेडी ठेला फेरी चलाने वाले भी इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग से जुड़ पाए हैं। साथियों, लास्ट माइल फाइनेंशियल इंक्लूजन से जब डिजिटल एम्पावरमेंट जुड़ गया तो उसने देश के लोगों को एक नई ताकत दी है। 31 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड, करीब 50 लाख पॉस एम पॉस मशीन्स ने आज देश के कोने कोने में डिजिटल ट्रांजैक्शन को संभव बनाया है। यूपीआई ने तो बहुत ही कम समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है। सिर्फ 7 सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में 19 गुना की छलांग लगाई है, 19 टाइम। आज 24 घंटे, 7 दिवस और 12 महीने देश में कभी भी कहीं भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चालू रहता है। इसका लाभ भी हमने कोरोना के इस काल में देखा है। साथियों, आरबीआई का एक संवेदनशील रेगुलेटर होना और बदलती हुई परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखना देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। आजकल आप देख रहे हैं कि फिनटेक जैसे क्षेत्र में हमारे भारतीय स्टार्टअप्स कैसे ग्लोबल चैंपियन बन रहे हैं। इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। हमारे देश के युवाओं ने भारत को इनोवेशंस का ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। ऐसे में ये जरूरी है कि हमारे रेगुलेटिंग सिस्टम्स इन बदलावों के प्रति जागरूक रहें और फाइनेंशियल सिस्टम्स को विश्व स्तरीय बनाएं और उसको बनाए रखने के लिए सूटेबल इकोसिस्टम का निर्माण करें, उसे सशक्त करें। साथियों, हमें देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखना ही होगा। निवेशकों के भरोसे को निरंतर मजबूत करते रहना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक संवेदनशील और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में भारत की नई पहचान को आरबीआई निरंतर सशक्त करता रहा है और मुझे विश्वास है सशक्त करता रहेगा। एक बार फिर इन बड़े रिफॉर्म्स के लिए मैं आप सबको, सभी स्टेक होल्डर्स को, इनिशिएटिव लाने वाले सबको, टेक्नोलॉजी की एक छलांग लगाने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्साह वर्धन एवं शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, कार्यक्रम में पधारे गणमान्य अतिथिगण एवं वर्चुअल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े सभी दर्शक गण का तहे दिल से धन्यवाद। तो आपण सीधासळख दृश्य देखुले जे वर्चुअल मोड्रे आज आरबीआई खुचुरा प्रत्यक्ष योजनार शुभारंभ करिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जेउथरे कि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मध्य सेठारे उपस्थित थिले। जे छोट निवेशकंकु वर्तमान बड़ उपहार देइछंती प्रधानमंत्री, निवेशकमानंक पई अधिक सुविधा एवं सहज हेब, सेमाने सरल हेब सरकारी सिक्युरिटी किणबा पई एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म रे सहज हेब किणा बिका, खास करी जो माने साधारण निवेशक माने रहितले सेमानंक पई गुटे डायरेक्ट प्लेटफॉर्म ये जे एमाने निवेश कर पारिबे आरबीआई थ्रोरे। एवं आरबीआई रो दुई उपभोक्ता केंद्रिक योजना रहिबो, एहा सहित आरबीआई रो रिटेल डायरेक्ट स्कीम रो शुभारंभ आज जो करा जाय छि, जे डिजिटल प्लेटफॉर्म रे सहज हेबो किणाबिका, निवेशक मार्केट रो विस्तार मध्य हेबो। आरबीआई दुई उपभोक्ता केंद्रिक योजना रहिबो, निवेशक पई बा मागणारे खोली पारिबे आरबीआई सहित रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट, जहाँ पई ऑनलाइन माध्यम रे मध्य सेमाने अभियोग करि पारिबे, ऑनलाइन रे मध्य आवेदन करि पारिबे। आरबीआई रो खुचुरा प्रत्यक्ष योजना रो शुभारंभ आज होइछि, जहाँ अनेक छोट निवेशकंकु सुहाइब एवं सेमानंक पई एक बड़ उपहार, निवेशकमानंक पई अधिक सुविधा हेबो एवं सहज हेबो जे सेमाने निवेश करबा पई सरल हेबो सरकारी सिक्युरिटी किणबा पई। छोट निवेशकंक भागीदारी देश पई बड़ भूमिका गुरुत्वपूर्ण रहुछि, सेमानंक बड़ भूमिका रहुछि, जेउथि पई कि एकीकृत लोकपाल योजनार शुभारंभ करिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। आज से नहीं कि मध्य प्रधानमंत्री विस्तृत भाव में जहाँ सूचना देउथिले जे एहा जो छोट निवेशक माने रहिछंती सेमानंकु खूब सुहाइब, देशर विकास रे निवेशकंक निवेश बा गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिबो, जो माने निवेश करिबे एथिरे सेमानंकर भागीदारी बा खूब सहज रे सेमाने निवेश करि पारिबे, तबे सरल होइजबो सरकारी सिक्युरिटी किणबा पई निवेशकंक पई। वेणिकी खुचुरा निवेशक मानक सरकारी सिक्युरिटी किणवा सहज हेब, आरबीआई सहित रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट मागणारे खोली पारिबे निवेशक। योजना अधीन रे खुचुरा निवेशक माने उभय प्राथमिक एवं दलय सरकारी सिक्युरिटी बाजार रे ऑनलाइन प्रवेश करिबे, अद्यावधि केवल बैंक किंबा अनुष्ठानिक निवेशक माने एही उपाय रे प्रवेश करबाकु सक्षम हेउथिले, किंतु वर्तमान एहा छोट निवेशकंकु मध्य एथिरे मध्य छोट निवेशक माने निजे एथिरे निवेश करिपारिबे बा सेमानंक पई टिके अधिक सहज हेब। आरबीआई रो खुचुरा प्रत्यक्ष सुविधा नै गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा चलित बर्ष फेब्रुआरी एहा घोषणा करा जाइथिला एवं रिजर्व बैंक रो गुरुत्वपूर्ण गठनमूलक संस्कार हेब बोली मध्य कुहा जाइछि। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ताकु उद्घाटन करिछंती जे रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट मागणारे खोली पारिबे निवेशक, आज थारु ए सुविधा उपलब्ध हेब एवं जो माने निवेशक माने रहिबे सेमाने ऑनलाइन रे मध्य एहाकु आवेदन करि पारिबे। बदली जाइछि विद्यालयर चेहरा, श्रेणी प्रकोष्ठ ठारु बाहर कांथ आउ परिसर चारिआडे चित्र आउ चित्र, रंगीन रूपरे नियारा दिशुछि परिवेश, कलाकृति सहित झुलंता उद्यानरे स्कूल परिवेश सुशोभित होइ उठिछि। निज विद्यालयकु एमिति सजाइछन्ति स्कूलर जणे शिक्षक उदय रश्मि पात्र, एबे एही विद्यालयकु नै ढेर सारा प्रशंसा शुणिबाकु मिलुछि। व्यवहृत प्लास्टिक बोतलरे तयार होइछि झुलंता उद्यान, अदरकारी सामग्री को व्यवहार करी किभळे नवसृजन करा जाय पारे ताहा एठारे देखिबाकु मिलिछि। अधा काटि दिया जायतिबा बोतल गुडीक रे रोपित होयछि नाना प्रजातिर लता गुल्म, धाडी को धाडी होई कुंडरे लागितिबा गच्छ गुडीक परिवेशर शोभा बढाइछि। बारंडारे एभळे ह्यांगिंग गार्डन रो दृश्य देखिबाकु मिलुथिबा बेले श्रेणी भितरे सज्जित होयछि नाना प्रकारर कलाकृति, विद्यालयर परिवेश को मूल्योग करायबारे एहा सहायक होईछि। एभळी दृश्य देखिबाकु मिलुछि गंजाम जिला छत्रपुर ब्लॉक
କରାତଳୀ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଉଦୟରଶ୍ମି ପାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳାଚଳ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କରାତଳୀ ସରପଞ୍ଚ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଖାଲି କାନ୍ଥକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ାଉଥିଲୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ତାହା ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଯାଉଥିଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଆଉ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେତିକି ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲୁ, ତାପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଉଠିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେଉଁଠି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ମାନଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବନୀକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି କାନ୍ଥରେ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଉଦୟରଶ୍ମି। ସେ ଜଣେ ପେସାଦାର ଶିଳ୍ପୀ ହୋଇନଥିଲେ ହେଁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଛବି ତିଆରି କରି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ପିଲା ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ବୋଲି ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ଶିକ୍ଷକ ଉଦୟରଶ୍ମି ପାତ୍ର କହିଥିବା ବେଳେ, ଆଗରୁ ଏଠି କିଛି ନଥିଲା ଓ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଢେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ତା ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା, ବହୁତ ବଦଳି ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଗିଲା ଜିନିଷଟା, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ନାହିଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭଲ ସ୍କୁଲ ଦରକାର, ସ୍କୁଲଟା ସେଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆସିକିରି ସ୍କୁଲର କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ କଳା, ଆଉ ସବୁଦିନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଚିତ୍ରକଳା ଭଲ ହେବ, ସେମିତି ଚିତ୍ରକଳା ଭଲ ହେବ, ଏ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ। ମୋତେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ସାର୍ମାନେ ଡାକିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରିକିରି ଏ ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ କରିବା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଧାରଣା। ଆଖପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ କରାତଳୀର କଳାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜା 4 ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ମହାକାଶକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜା 4। ମହାକାଶକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ମହାକାଶଚାରୀ ରାଜା 4 ଆଣିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ ବଂଶଜ ଭାବରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କଲେ ରାଜା 4, ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ମିଶନର କମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ମହାକାଶକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ମହାକାଶଚାରୀ ରାଜା 4। ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରାତି 9:03 ଫ୍ଲୋରିଡା କେପ୍ କାନଭେରାଲ୍ଠାରେ ଥିବା କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ମହାକାଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀଟି, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରାଜା 4। ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ଘୂରିବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏହା ହେଉଛି ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଏବଂ ନାସାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତୃତୀୟ କମର୍ସିଆଲ୍ କ୍ରିଉ ରୋଟେସନ୍ ମିଶନ। ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 2 ମିଶନ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି ମହାକାଶ ଯାନ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଏଣ୍ଡୁରାନସ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜା 4ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ନାସାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଟମ୍ ମାର୍ସବର୍ଣ୍ଣ, କାଇଲା ବୋରନ୍,
एवं यूरोपियन स्पेस एजेन्सी माथियास मारु। महाकाश केन्द्र में 6 मास पर्यंत होबाक थिबा एक साइंस मिशन अंशीदार होती 4 जन महाकाशचारी। भारत वंशज राजाचारी होती उभय ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट एवं क्रू 3 मिशन कमांडर। लॉन्च करिबाठारु महाकाश यात्रा करिबा, महाकाश केन्द्र में गवेषणा करिबा एवं सेठु पुणी पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसिबा पर्यंत सबु काम तांको निर्देश रे परिचालित हेबो। या सहित अन्यान्य वैश्विक काम मध्ये तुलाइबे राजाचारी। तबे सबुठ बड़ कथा हला या होची तांकर प्रथम महाकाश यात्रा। एथिपई अनेक आशयी प्रतियोगी को पछरे पकाई देथिले राजाचारी। 2017 से विभिन्न परीक्षा निरीक्षा माध्यम रे नासा पई मनोनीत होइथिले। तेलंगाना राज्यर मूल बासिंदा होउछंती राजाचारी को बापा श्रीनिवास चारी, जे जने अमेरिकी महिला को विवाह करथिले। अमेरिका रे जन्म नैथिबा राजा सेठारे बे एयरफोर्स रो कॉलोनेल पदवी रे अवस्थापित। विभिन्न युद्ध विमान उड़ेबार अभिज्ञता थिबारु तांकु स्पेस मिशन पई बछा जाइछि। स्वर्गत कल्पना चावला, सुनीता विलियम एवं शिरीषा बांदल को परे राजाचारी भारत वंशज भाव रे देश पई सुनाम आनिछंती बोली कहा जाय पारे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। समस्त अच्छे बुलेटिन को इठ रखुछु। नमस्कार।